पिछले साल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके लोगों ने हजारों गुना रिटर्न तो कमाया है, साथ में करोड़ों रुपए गंवाए भी है। एक तो लॉस लोगों को होता है मार्केट के डाउन जाने की वजह से, प्राइस के लो हो जाने की वजह से, लेकिन सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा नुकसान जो आजकल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स झेल रहे हैं वो है क्रिप्टो में हो रहे फ्रॉड की वजह से। बिकॉज मार्केट तो देर सवेर अप हो जाएगा, उठ जाएगा, लेकिन अगर आपके साथ क्रिप्टो फ्रॉड हो गया तो आपका पैसा कभी वापस नहीं आएगा। वैसे आपको भले ही लग रहा हो कि आपका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो में लगाया हुआ पैसा सेफ है, हम सबको एक्चुअली ऐसे ही लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। आजकल जिस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हैं, वो आपका सारा इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जीरो कर सकते हैं, आपका सारा पैसा उड़ा सकते हैं। इसी हफ्ते केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में एक 1200 करोड़ रुपए का क्रिप्टो फ्रॉड का एक केस सामने आया है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, और इसीलिए आज आपसे बात होगी क्रिप्टो में हो रहे फ्रॉड्स पर। बताऊंगा कि फ्रॉडस्टर्स आपके साथ क्रिप्टो फ्रॉड करने के लिए कौन कौन से नए तरीके आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे सेफ रह सकता है, आप अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को कैसे बचाकर रख सकते हैं, ये भी जानेंगे। पहले जानते हैं कि ये जो क्रिप्टो स्कैम केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में सामने आया है, इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है, उसके बाद दूसरे फ्रॉड्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, और फिर जानेंगे कि इनसे आपको कैसे बचना है। सो ईडी ने इन तीन स्टेट्स में 1200 करोड़ रुपए के क्रिप्टो स्कैम का पता लगाया। इसमें एजेंसी ने इस रैकेट से जुड़ी हुई फर्म्स के 11 ऑफिसेस पर रेड की, जिसमें पाया कि इन्होंने एटलीस्ट 900 बंदों के साथ 1200 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। और फ्रॉड की टेक्निक भी बड़ी अलग है। इसमें केरला में रहने वाला एक शख्स ने एक क्रिप्टो कॉइन क्रिएट किया मॉरिस कॉइन के नाम से, और लोगों को ये कॉइन जो है वो दिए उनके वॉलेट में, ये कह के कि एक साल में कई गुना ये बढ़ जाएंगे, हजारों गुना रिटर्न आपको मिलेगा। बट जैसे हमेशा होता आया है कि हजारों गुना रिटर्न के चक्कर में जो आया वो फंस गया, और रिटर्न्स की बात तो दूर, उनका जो पैसा इन्वेस्ट उन लोगों ने किया था वो भी जीरो हो गया। ये जो कॉइन थे फेक कॉइन थे, आईसीओ के नाम पर इनको लोगों को दिया गया था, और इसके थ्रू ये पूरा का पूरा जो फ्रॉड है ये 900 लोगों के साथ किया गया। अब यहाँ पर ये नाम आईसीओ बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अक्सर आईसीओ स्कैम्स में फंस जाते हैं। आईसीओ इज इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, इट्स लाइक आईपीओ इन स्टॉक्स, और इसमें इन्वेस्टर्स को नए टोकन, नए कॉइन्स इशू किए जाते हैं। मतलब ये किसी भी क्रिप्टो या फिर किसी भी कॉइन या टोकन के लिए एक इनिशियल स्टेज होती है। कुछ इन्वेस्टर्स आईसीओ के थ्रू ही टोकन्स खरीदते हैं, कॉइन खरीदते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। कॉइन्स जब आईसीओ स्टेज में होते हैं, इशू होते हैं, तो उनका प्राइस मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, और जब ये पॉपुलर होते हैं और एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं तब तक ये हज़ारों गुना बढ़ चुके होते हैं। दैट्स वाई आईसीओ पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और यही वो स्टेज है जहाँ पर स्कैमर्स लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। बिकॉज नया टोकन, नया कॉइन जब आता है तो न्यू इन्वेस्टर्स को ये पता नहीं होता कि ये रियल है या फेक, और इसी चक्कर में वो फंस जाते हैं। जो कॉइन्स और टोकन्स पहले से एस्टेब्लिश हैं उनमें इस तरह का फ्रॉड नहीं होता, उसमें हैकिंग होती है, उसमें मैनिपुलेशन होता है, बट ये नहीं होता कि कॉइन अचानक से ज़ीरो हो जाए। ये सब आईसीओ वाले स्कैम्स में होता है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स के वक्त आप ये कैसे पता लगाएं कि ये फेक क्रिप्टो तो नहीं है, ये स्कैम तो नहीं है, इसको कैसे स्पॉट करें, आई टेल यू। सो सबसे पहले जो भी कॉइन डेवलपर है, जो भी टीम या फिर ग्रुप क्रिप्टो इशू कर रही है, आप उसके बारे में पढ़ें, पता लगाएं। इसके लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल, मतलब वहाँ पे सर्च कर सकते हो इस टीम का कितना ऑनलाइन प्रेजेंस है, रेपुटेशन कैसी है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है। इसके बाद उस क्रिप्टो के डॉक्यूमेंट्स को, वाइट पेपर को सही से आप पढ़ें, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, स्ट्रेटजी उसकी कैसी है, ये सब आपको चेक करना है। बिकॉज ये सब वाइट पेपर में ऑलरेडी मेंशन होता है, और वो क्रिप्टो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको सही से आइडेंटिफाई करना है। अगर ये सब क्लियर नहीं है वाइट पेपर में, बैकग्राउंड, स्ट्रेटजी, गोल और प्रॉब्लम मेंशन वहाँ पर नहीं है, तो आप उस आईसीओ से दूर रहें, बिकॉज इट कैन बी अ स्कैम। डू रिमेंबर कि आपको उस डॉक्यूमेंट के फाइनेंशियल मॉडल्स, लीगल कंसर्न और स्वॉट एनालिसिस को भी चेक करना है, और उसके बाद ही कोई स्टेप लेना है। इसके अलावा टोकन सेल कितनी है, यू हैव टू चेक दैट टू, मतलब उस आईसीओ की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं भी या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग ही उसमें इंटरेस्टेड हैं बिकॉज बाकी को वो फेक लग रहा है। अगर आप उस पर्टिकुलर आईसीओ का प्रोग्रेस चार्ट को नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ पर नहीं अवेलेबल है, तो प्लीज़ अवॉइड इट, एल्स यू लूज योर मनी इन अ स्कैम। इसके अलावा डू विजिट द वेबसाइट ऑफ दैट कॉइन, दैट टोकन, और उसको भी आपको सही से एनालाइज करना है। आई नो कि न्यू कमर्स के लिए इट्स टफ, बिकॉज इतनी नॉलेज जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नहीं होती, शायद नहीं रखते वो, पर फिर भी आपको वेबसाइट चेक करनी है, और उसमें उस कॉइन का रोड मैप क्या है ये समझना है। अगर आपको वेबसाइट समझ नहीं आती, वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको बहुत ज़्यादा दिखती हैं, प्लगइन्स सही से इंस्टॉल नहीं है वेबसाइट पर, एड्स बहुत ज़्यादा आपको दिख रही हैं, तो समझ जाइए कि भाई दिस कुड बी अ स्कैम, और आपको इससे बचकर रहना है। जिन लोगों के साथ ये क्रिप्टो फ्रॉड हुआ है, आईसीओ स्कैम, उन्होंने इन बातों की शुरुआत में ध्यान
नहीं दिया इन बातों पर, उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों की बात पर भरोसा किया और वाइट पेपर तक चेक नहीं किया, क्या रोड मैप है ये चेक नहीं किया, उस क्रिप्टो का उसके बारे में रिसर्च नहीं की, सो दे गॉट स्कैम। अब आप जब भी किसी ICO के थ्रू क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सोचें तो भाई इन बातों का आप ख्याल रखें, और हाँ अपने कैपिटल का 1-2% से ज़्यादा हिस्सा क्रिप्टो ICO में ना लगाएं। रिमेंबर दिस, क्रिप्टो इज़ वेरी रिस्की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलीटैलिटी रहती है, सो स्टे सेफ। आखिर में कॉइन स्विच फाउंडर आशीष सिंगल से जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट कितनी रिस्की है एक्चुअली में, और आपको इसमें इन्वेस्ट करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्रिप्टो स्टॉक इंडस्ट्री से भी ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा रिस्की है, तो लोगों को अपनी रिसर्च करनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि उन्हें कॉइन्स के बारे में पढ़ना चाहिए कि वो क्या सॉल्व कर रहे हैं, कौन उनके बैकर्स हैं, कौन उनको बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी अडॉप्शन जर्नी में कहाँ पर है, कितने यूजर्स वर्ल्ड वाइड उसको यूज कर रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या है। ये सब जानने के बाद ही आपको सही डिसीजन लेना चाहिए कि क्या वो आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है या नहीं। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होते हैं, सिर्फ न्यूज पे काफी मूवमेंट आ जाता है उसमें, तो आपको बहुत ध्यान से समझकर इसमें इन्वेस्ट करना है। इसमें उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आपका रिस्क कैपिटल है। आपको अपना सारा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में नहीं डालना चाहिए, आपको सोच समझ के जितना आप पे रिस्क कैपिटल है सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक आप इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते। ये यूजुअली वेरी करता है यूजर टू यूजर पे। अगर कोई काफी एज में है, 45-50, उसका रिस्क कैपिटल कम होगा, उसको पैसा उसका खोएगा तो उसको ज्यादा हर्ट होगा, बट अगर कोई यंग है तो वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा डाल सकता है। तो ये वेरी करता है यूजर प्रोफाइल पर, बट जितना हमारा मानना है कि करीब 4-5% ऑफ आपका टोटल इन्वेस्टेबल इनकम शुड ऑल्सो गो टू क्रिप्टो, वो क्रिप्टो में जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका पूरा पोर्टफोलियो एक स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि आपको सारे एग्स वन बास्केट में नहीं रखने हैं, उसी तरह क्रिप्टो इज जस्ट वन ऑफ दोज बास्केट्स जहां पे आप अपना छोटा कैपिटल रख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये आपको बेनिफिट कर सकता है ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि ये बहुत रिस्की एसेट क्लास है। ये अभी बन ही रहा है, इसे सिर्फ 10 साल हुए हैं, ये इंडस्ट्री इवॉल्व ही कर रही है। जैसे जैसे इवॉल्व होगी, स्टेबिलिटी आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आप फिर ज्यादा पैसा डाल सकते हैं। बट आज के समय में जहां ये इंडस्ट्री है वहां पे ये रिस्क है।